प्रोडक्शन की ओपनिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धमाल फिल्म जो हमने सोचकर रखा है नाम धमाल फिल्म, ये मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। और इसके पहले हमारा एके न्यू भोजपुरी के नाम से था अर्पिता फिल्म प्रोडक्शन, तो जिसके वजह से लॉकडाउन के वजह से मुझे कंपनी अपनी बंद करनी पड़ी और लॉकडाउन का असर बहुत दिखा हमारे ऊपर। और जिसके वजह से हम सोच रहे थे कि वापस हम चालू नहीं कर पाएंगे। लोगों के लिए जो युवा सिंगर है, युवा एक्टर्स हैं, जिनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा और वो सफलता मुझे कम दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया और कोशिश करने के बाद मुझे मंजिल मिल ही गई। मंजिल मिलने के बाद मैंने प्लान किया कि अब मैं इसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। युवाओं, जो युवा एक्टर हैं, युवा सिंगर हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ सोचा हूं और बहुत ही कुछ प्लान बना के रखा हूं। कुछ ऐसा किया जाए जिसका नाम मार्केट के अंदर सबके दिलों और दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम धमाल रखा हूं। धमाल जिसका इंग्लिश में वर्ड कहते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब यानी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पब्लिक के अंदर मेरी कंपनी का नाम सबके दिलों और दिमाग में बैठ जाए और सभी पब्लिक हमें अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार दें, ताकि मैं इस मकसद में कामयाब हूँ। ये स्टूडियो कहाँ पे खुला है? गोरेगांव मोतीलाल नगर नंबर 1 इंद्रप्रस्थ के सामने। हाँ, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग के सामने धमाल फिल्म प्रोडक्शन। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग और क्या क्या होगा यहाँ पर? हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग, डबिंग और मिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग यानी सारे काम, एल्बम वगैरह शूट, एल्बम से लेकर सारे A to Z काम होंगे हमारे यहाँ। ये स्टूडियो कब से कब तक खुला रहेगा? इसकी टाइमिंग क्या? इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। यहाँ पर अभी आज उद्घाटन के मौके पर कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ कई युवा आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं, एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कोई बड़ा कलाकार नहीं बुलाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं छोटे लोग को भी चांस मिले। बड़े तो हर जगह जाते हैं, पर छोटे को चांस नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने छोटे एक्टर्स को भी चांस दिया है कि आके उन्हीं के हाथों मुहूर्त करवाते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं, कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताइए क्या? हमने इंडस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है। जिस तरह बता, हम चालू किए इंडस्ट्री भयंदर में अर्पिता फिल्म प्रोडक्शन के नाम से और टारगेट फिल्म का मुहूर्त किए, जिसका टाइटल मेरा निरस्त कर दिया गया। मेरा टाइटल ना होने के वजह से मुझे फिल्म रोकनी पड़ी और उसके बाद हमने सोचा कि अब फिर से कुछ नया प्लान किया जाए और नए सिरे से काम किया जाए। मैंने पीछे नहीं हटा और जिस तरह कहते हैं एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, कभी गिरती है 10 बार लेकिन वो अपना खाना ले जाना नहीं छोड़ती है, उसी तरह मैं भी इतनी सारी मुसीबतें आई हमारे ऊपर, मगर हम पीछे नहीं हटे, डट के मुकाबला किए लॉकडाउन का और उसमें हमको सफलता मिली। तो आगे क्या प्लानिंग है अपने करियर को लेकर? अपने करियर को लेकर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जिससे लोगों, जनता के बीच में मैं अपना एक नाम बनाना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं जनता से हूँ, जनता मेरे से नहीं है, ठीक है? अगर उन लोगों का प्यार मेरे साथ अगर रहा तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। सबसे पहला पहल क्या होने वाला है, सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, कुछ तो प्लानिंग होगी इस चीज़? मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द, जिसे टाइटल मेरा रजिस्टर हो चुका है और कंफर्म होते ही मैं अपनी फिल्म का प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ। तो किस तरह की मूवी होगी और किस तरह के हीरोज आप लेंगे, स्ट्रगल लेंगे या जो फेमस हैं उनको? देखिए, हमारे में दोनों तरह के हीरो रहेंगे, फेमस भी रहेंगे और स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो भी रहेंगे। तो अभी इसका डिसाइड नहीं किए हैं,
और जैसे ही डिसाइड करते हैं तुरंत हम इसका कंफर्म कर देंगे कि किस हीरो को लेकर पहली मूवी बनाया जाए। थैंक यू।